लाल कृष्ण आडवाणी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने का ऐलान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस बात की जानकारी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए दी। आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने के बाद उनके परिवार की तरफ से खुशी जताई गई है। आडवाणी के साथ उनकी बेटी और बेटे की तस्वीर भी सामने आई है। बेटी प्रतिभा आडवाणी के साथ बेटे जयंत ने भी पिता को भारत रत्न मिलने पर खुशी व्यक्त की। जयंत आडवाणी की दोनों संतानों में बड़ी हैं। प्रतिभा आडवाणी उनसे छोटी है। खास बात यह है कि पिता के इतने बड़े राजनेता होने के बाद भी जयंत ने राजनीति से एक अलग रास्ता चुना। आडवाणी के बेटे जयंत आडवाणी पेशे से बिजनेसमैन हैं। इसके बावजूद वो कई मौकों पर अपने पिता के साथ दिखाई देते हैं। बहुत कम लोगों को पता होगा कि लाल कृष्ण आडवाणी जब बीजेपी की तरफ से आम चुनाव में पीएम पद के उम्मीदवार बने थे, तब जयंत ने उनके लिए चुनाव प्रचार किया था। आडवाणी उस समय गुजरात के गांधीनगर से चुनावी मैदान में थे। जयंत ने गांधीनगर में घर घर जाकर अपने पिता के लिए वोट मांगे थे। जयंत के साथ उनकी मां कमला आडवाणी, पत्नी गीतिका और छोटी बहन प्रतिभा आडवाणी भी शामिल थे। जयंत को राजनीति से परहेज नहीं है। साल 2014 में एक इंटरव्यू में जयंत ने कहा था कि वो पार्टी में शामिल होना चाहते हैं और पूर्णकालिक राजनीति में कदम रखना चाहते हैं। उस इंटरव्यू में जूनियर आडवाणी ने मोदी के प्रति अपने प्रेम और पार्टी में अपने पिता के योगदान के बारे में खुलकर बात की थी। जयंत ने कहा था कि मुझे लगता है कि मुझमें इसके लिए योग्यता है, वरना मैंने इसके बारे में सोचा भी नहीं होता। मैं राजनीतिक माहौल में बड़ा हुआ हूँ। मैंने अपने पूरे जीवन में यही देखा और सीखा है। राजनीति आप लोगों के जीवन में बदलाव लाने की शक्ति, क्षमता और साधन देती है। यदि इसका उपयोग इस उद्देश्य के लिए किया जाए तो ये इसके लायक है। लाल कृष्ण आडवाणी से जुड़ा वाक्या है कि वो नहीं चाहते थे कि उनके बेटे राजनीति में आए। आडवाणी का मानना था कि यदि उन्होंने अपने बेटे को राजनीति में उतारा तो उन पर वंशवाद का आरोप लग सकता है। विशंभर श्रीवास्तव की किताब आडवाणी के साथ 32 साल में आडवाणी के करीबी हरिन पाठक के हवाले से कहा गया कि उन्होंने आडवाणी को सुझाव दिया था कि वो अपने बेटे को गांधीनगर से उम्मीदवार बना दें और खुद नई दिल्ली से चुनाव लड़ें। हालांकि आडवाणी ने इस प्रस्ताव को तुरंत खारिज कर दिया। पाठक के आग्रह पर आडवाणी ने कहा था कि जयंत गांधीनगर से आसानी से जीत सकते हैं, लेकिन मैं उन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दूंगा। इस तरह आडवाणी ने अपने बेटे की राजनीतिक यात्रा शुरू होने से पहले ही ब्रेक लगा दिया था। बीजेपी के सीनियर नेता लाल कृष्ण आडवाणी के बेटे जयंत आडवाणी ने कहा है कि ये जानकर मुझे आश्चर्य होता है कि उनके जीवन के इस पड़ाव पर उनके प्रयासों को इस शानदार तरीके से मान्यता मिल रही है। मैं और मेरा परिवार इस निर्णय से बेहद खुश हैं। देखिए उन्होंने पिता को इतनी बड़ी उपलब्धि मिलने पर क्या कुछ कहा। I heard about this news that my father Shri L.K. Advani ji is going to be conferred with the highest civilian award, the Bharat Ratna. My family and me are extremely delighted on this new development. I would like to thank the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji for conferring this award on my father. My father has been in public life for many decades and his contribution to public life has been immense, and it is wonderful to note that at this stage of his life his efforts are being recognized in this magnificent way. Once again, thanks a lot to the government. NBT online ki report.